अगर आप अपने मोबाइल को चाहते हैं बिल्कुल फास्ट बनाना और जैसा आपका नया चलता था फ़ोन उस टाइप से आपको बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन को, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन को बिल्कुल फास्ट कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे जैसा आपका फ़ोन अभी है। तो ऐसा देखिए हो जाता है बहुत बार फ़ोन के अंदर जो है ना कुछ ऐप की वजह से कुछ ऐसे डाटा फ़ोन के अंदर पड़े होते हैं जो कि आपके फ़ोन को बहुत स्लो कर देता है, पकड़ के रखता है, एक तरह से हैंग कर देता है। तो चलिए मैं उसे आपको बताऊंगा कैसे हम प्रॉपरली उसे रिमूव करेंगे और उस डाटा को और कैशे जो बहुत सारे होते हैं हम उन्हें रिमूव करके मोबाइल को बिल्कुल फ्री कर पाएंगे और जैसा हमारा फ़ोन नया में था उस तरह से आपका फ़ोन परफॉर्म करेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास जो रियलमी, ओप्पो, वीवो, एमआई, पोको या रेडमी, सैमसंग जो भी मोबाइल है सब में काम करेगा ये ट्रिक। तो कमेंट में अपने फ़ोन का भी नाम आपको लिख देना है, कौन सा मोबाइल आपके पास है, मोबाइल नेम। तो खैर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे ट्रिक की ओर। सबसे पहले मोबाइल के अंदर जो एक काम करना है आपको, सेटिंग में ये मिलता है चीज़, आप जैसे ये MI का मोबाइल है, मैं सेटिंग में गया, अबाउट फ़ोन में मैं गया और यहाँ पे दिख गया MIUI वर्जन लिखा हुआ। इस पर 4-5 बार आपको लगातार क्लिक करना है, ये देखिए 3 स्टेप दिखा रहा है ना, यू आर नाउ ए डेवलपर, इस पर 6-7 बार क्लिक कर देंगे ना तो आपको ये दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और एक चीज़ मैंने बताया ही नहीं, अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है या आईकू वीवो का फ़ोन है तो MIUI वर्जन पे आपको तो मिलेगा नहीं ये चीज़, तो आपको बिल्ड नंबर मिलेगा। बिल्ड नंबर पे 4-5 बार क्लिक करना है लगातार। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपका डेवलपर ऑप्शन चालू हो जाए तो आपको यहाँ से सर्च करना है DEV, DEV लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन, दिख गया ना। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम दूसरे तरीके से जाएंगे। मान लीजिए आप में सर्च बटन नहीं है तो क्या, एडिशनल सेटिंग मिलता है, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद नीचे करिए, डेवलपर ऑप्शन दिखता है, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे करना है स्क्रॉल। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है, किसी दूसरे सेटिंग को मत छेड़िएगा, जो ज़रूरी है बस वही हमें करना है, नहीं तो फिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें अल्टरनेट सेटिंग है तो सेटिंग अगर छेड़ते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे, ऐसा नहीं कि मुझे बाद में ब्लेम करें कि ये क्या क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसलिए गलत नहीं करिएगा। तो खैर यहाँ पे जब आप नीचे करेंगे तो आपको मैं यहाँ पे 2 सेटिंग बताऊँगा। पहला ऑप्शन Force 4X MSA, अगर आप वीडियो एडिटिंग अपने फ़ोन में करते हैं या गेम खेलते हैं तो ये जो है 4X MSA को चालू करने के बाद आपका जो OpenGL का स्पीड है या कह लीजिए जो पावर है वो इनेबल कर देता है, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छा आपको मिलता है। लेकिन खैर ये ट्रिक नहीं है मोबाइल को फास्ट करने का, ये तो चलिए आपको एक रिलायबल बहुत ही बेहतर बना रहा है गेमिंग कैटेगरी में या कोई ग्राफिक वाले काम में OpenGL का यूज़ करके। खैर हम यहाँ से बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर, वो है हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, डोंट कीप एक्टिविटी को चालू मत करिएगा। ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट जो है ना इस पे जाइए, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा, इसको 2 कर देना है। ये जब आप 2 कर देते हैं ना तो आपको फ़ायदा होता है कि आपके फ़ोन के अंदर ऐप आपने विंडो में बहुत सारे खोल के रखे हैं लेकिन जो सबसे ऊपर रहेगा यही 2 प्रॉपरली काम करेगा। तो मान लीजिए आप पबजी में हैं और व्हाट्सएप में हैं तो आपका पबजी व्हाट्सएप ही चलेगा प्रॉपर रूप से, और सब ख़त्म नहीं होगा लेकिन ये पावर ज़्यादा इसमें लगेगा। तो इसमें फ़ायदा होगा कि फ़ोन अच्छा चलेगा, हैंग चलेगा, इन सब के ऊपर फालतू का पावर लगाना नहीं पड़ेगा फ़ोन को, वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर लेगा। तो अगर आप ये सेटिंग करके रखते हैं तो ये 2 वाला एटमोस्ट 2 प्रोसेस ये कर देनी है, या 3 भी रख सकते हैं लेकिन 2 ओवरऑल ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा जो अगला ट्रिक है वो आपको एक ऐप चाहिए होगा, खैर ये ऐप किसी भी फ़ोन में आप कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इस ऐप को रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप इसे फिर बाद में डिलीट कर दो, लेकिन पहले यूज़ करने के लिए मैं बताता हूँ। आपको जो ऐप चाहिए उस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा स्कैन MPT फोल्डर होल्ड डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज परमिशन को ओके कर देना है और फिर अलाउ कर देना है, अलाउ कर देंगे फिर स्कैन करना है। यहाँ पर सारे फोल्डर वो दिख जाएंगे, वो सारे फोल्डर ये देखिए कितने सारे फोल्डर हैं,
ये वैसे वैसे फोल्डर हैं जिनका कि अननेसेसरी यूज है, बस फ़ोन के ऊपर भार एक तरह से रहता है और आपके फ़ोन को थोड़ा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगाता है, इस वजह से फ़ोन थोड़ा धीरे चलता है, स्लो चलता है, हैंग भी करता है। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, फ़ोन भी अच्छा चलेगा, हल्का हो जाएगा इसको। खैर ये तो स्कैन अभी हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे बीच में लिखा हुआ है डिलीट, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे एमपीटी फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा आपको खुद समझ में आ गया होगा क्या होगा, सारे इस पर वजन जो कह लीजिए जो फालतू का डाटा था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके जो फ़ोन है इसको इस फोल्डर पे काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो ये बात है, मैं इस ऐप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे थे इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, पहली बार देख रहे थे वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर देना है ताकि और भी लोग जाने। और जिनका फ़ोन स्लो हो गया था, फ़ोन स्लो होने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको नया फ़ोन बदलने के लिए आपका भी मन करता है और हर कोई चाहता है कि आप फ़ोन बदल लो क्योंकि बहुत स्लो हो गया। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम जो आपके सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपको फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास फ़ोन है। तो इन बात का ध्यान रखिएगा, बाकी कमेंट में लिख देनी है, अपने फ़ोन का नाम लिख देना है और लिख देना है नाइस स्ट्राइक या फ़ोन को फास्ट करें, ये कमेंट में लिख देना है। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये मेरा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, थैंक यू, बाय, लाइक ज़रूर कर देना।